हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कहानी शुरू होती है जीसू से, जो कि एक कंपनी में काम करती है। वो नेचर की बहुत अच्छी है और अपने कलीग्स के साथ भी उसका रिलेशन काफी अच्छा है। लेकिन उसका बॉस तेहो बहुत ही खड़ूस नेचर का है। ऑफिस में सब उससे डर कर रहते हैं। ऑफिस के पास ही एक कॉफी शॉप है जहाँ जीसू अक्सर कॉफी पीने जाती है। वहाँ एक हैंडसम लड़का पार्ट टाइम जॉब करता है जिसका नाम जीमून है। जीसू अपनी कॉफी का ऑर्डर देती है। जब जीमून कॉफी बनाता है तो जीसू उसे कहती है कि तुम बिना चश्मे के ज्यादा अच्छे लगते हो। ये सुनकर जीमून का ध्यान भटक जाता है और गर्म कॉफी उसके हाथ में गिर जाती है। जीसू उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि मैंने तुमसे बात करके तुम्हारा ध्यान भटका दिया, इसी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। जीमून कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे लंच करा सकती हो। उसे लगता है कि जीसू उसे मना कर देगी, लेकिन जीसू खुशी खुशी उसके साथ लंच करने के लिए मान जाती है। फिर बाद में दोनों लंच के लिए जाते हैं। जीमून उसे कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरा नाम पता होगा। जीसू कहती है कि मैंने तुम्हारे नेम टैग में तुम्हारा नाम पढ़ लिया था। फिर वो कुछ सोचते हुए जीमून से उसका फोन मांगती है और उसके फोन में वो अपना नंबर फीड कर देती है। ये देखकर जीमून की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको खुश देखकर जीसू अपने प्लान की सक्सेस पर खुश होती है। असल में जीसू की आदत है कि जिस लड़के में उसे इंटरेस्ट आता है वो उसे डेट करती है। कुछ टाइम पहले ही कॉफी शॉप में उसने जीमून को देखा था और तब से वो उसमें इंटरेस्टेड थी। अपनी फीमेल कलीग से उसने सुना था कि जीमून किसी लड़की से आसानी से बात नहीं करता है। जीमून का क्यूट चेहरा देखकर जीसू ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की ठान ली थी और फिर उसने जीमून को अप्रोच करना शुरू कर दिया। वो उसके सामने बार बार जाती थी और ऐसे दिखाती थी कि जैसे वो जीमून से अचानक मिली हो। लेकिन जीसू के साथ एक और प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपना बॉस भी पसंद था। अब वो ठहरी अपनी आदत से मजबूर, तो वो अपने बॉस तेहो की नजरों में आने के लिए ऑफिस में खूब मेहनत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे तेहो का ध्यान उस पर जाने लगता है। उसकी इंटेलिजेंस और क्यूटनेस देखकर तेहो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एक दिन मीटिंग से लौटते टाइम जीसू अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। वो तेहो के सामने इनोसेंट बनकर कहती है कि मैं आज की मीटिंग में हमारी सक्सेस से बहुत खुश हूँ, क्या मैं आपको कॉफी के लिए इनवाइट कर सकती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद तेहो मान जाता है। वो जीसू की चाल से बिल्कुल बेखबर था। कुछ दिन बाद जीसू ऑफिस में देर तक काम कर रही होती है। तेहो उससे पूछता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई हो। वो कहती है कि कल की मीटिंग के लिए फाइल तैयार करने में मुझे देर हो गई है, मैं बस जाने वाली हूँ, कल का प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। तेहो कहता है कि कल मीटिंग के बाद हम साथ में ड्रिंक करने चलेंगे। वो अपने काम में डूबी हाँ कह देती है। फिर वो चौंकते हुए तेहो को देखती है। तेहो पूछता है कि क्या तुम्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं है या फिर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। वो हड़बड़ाते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जरूर चलूंगी। तेहो के जाने के बाद जीसू अपने प्लान की सक्सेस पर बहुत खुश होती है। लेकिन अभी उसके सामने एक और प्रॉब्लम होती है जिसे उसे सॉल्व करना होता है। असल में जीसू ऑलरेडी एक लड़के को डेट कर रही होती है और जीसू की ये आदत है कि जिस लड़के से वो बोर हो जाती है उससे वो ब्रेकअप कर लेती है। अब जब उसने जीमून और तेहो को डेट करने का सोच लिया होता है तो वो अपने करंट बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप करने के लिए बुलाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये सुनकर वो लड़का बहुत सेंटी हो जाता है। वो जीसू को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जीसू नहीं मानती। यहाँ तक कि उस लड़के के रोने से भी जीसू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सब देखने के बाद उस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है। जीसू उसे कहती है कि हम दोनों तो बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो बड़ी बेशर्मी से उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। वो लड़का गुस्से में जीसू को बहुत सुनाता है। वो जीसू पर बहुत चिल्लाता भी है। ये देखकर जीसू अपना गाल आगे करके उसे कहती है कि तुम चाहो तो मुझे मारकर अपना गुस्सा निकाल सकते हो। वो लड़का उसे मारना तो चाहता है लेकिन वो उसे नहीं मारता क्योंकि जीसू को वो बहुत पसंद करता था।
जीसू माइंड गेम खेलने में बहुत एक्सपर्ट होती है, तो वो सब कुछ करके भी सामने वाले को ये यकीन दिला देती है कि सारी गलती उसकी खुद की ही है। और इस तरह से जीसू आराम से उस लड़के से अपना पीछा छुड़ा लेती है। नेक्स्ट डे जीसू और तेहो एक बार में बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तेहो उससे उसके नेक्स्ट डे के प्लान्स पूछता है। वो कहता है कि कहीं मैं तुम्हारी कल की डेट तो खराब नहीं कर रहा हूँ। जीसू कहती है आप कर तो रहे हो। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। जीसू हंसते हुए कहती है कि कल मैंने अपनी फ्रेंड से मिलना है। फिर वो तेहो से पूछती है कि क्या आप डेट पर नहीं जाते हो। वो कहता है कि मैं काफी टाइम से किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। फिर वो तेहो से उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तेहो उसे अपने पहले के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। जीसू पूछती है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड में क्या अच्छा लगता था। वो कहता है कि उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। जीसू कहती है अच्छा तो आपको प्यारी स्माइल वाली लड़कियां पसंद हैं। अब तेहो उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। जीसू उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे मैच्योर लंबे स्मार्ट लड़के पसंद है, और स्पेशली वो लड़के जिन पर शर्ट अच्छी लगती हो। ये सुनकर वो बड़ी स्टाइल से अपना कॉलर ठीक करता है। तेहो उससे कुछ कहते कहते रुक जाता है। जीसू उससे बार बार पूछते हुए कहती है कि अगर आपने मुझे नहीं बताया कि आप क्या कह रहे थे तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। बाद में घर वापस जाते टाइम तेहो जीसू से कहता है कि तुम्हारी स्माइल भी बहुत प्यारी है, मुझे बस तुम्हें यही कहना था, तो अब तुम रात को आराम से सो सकती हो। नेक्स्ट डे मीटिंग के बीच में जीसू का पेन खराब हो जाता है। वो अपनी कलीग से पेन मांगती है। उसकी कलीग उसे जो पेन देती है वो बड़ा ही फनी लुकिंग होता है, और जीसू को पेन के साथ देखकर तेहो को हंसी आ जाती है। प्रेजेंटेशन दिखा रही हाइन उसे ऐसे हंसते हुए देख लेती है। वो बार बार तेहो को ही देखती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपनी कलीग से पूछती है कि क्या तुमने मीटिंग के बीच में बॉस को हंसते हुए देखा। उसके पास बैठा कलीग कहता है अरे तुमने गलत समझ लिया होगा, बॉस पक्का जम्हाई ले रहे होंगे। दूसरी लड़की भी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि बॉस को हंसना भी आता है। हाइन कहती है कि तुम लोगों ने शायद देखा नहीं। फिर वो तेहो की नकल करते हुए कहती है कि बॉस ऐसे हंस रहे थे। उनके पास बैठी जीसू जीमून से चैट में लगी होती है। कुछ देर बाद वो सब फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। काम खत्म होने के बाद जब जीसू घर जाने के लिए ऑफिस से निकलती है तो वो देखती है कि जीमून उसका वेट कर रहा होता है। आज जीमून की फेयरवेल पार्टी थी, लेकिन वो पार्टी बीच में छोड़कर जीसू को लेने आ जाता है। जीसू उसके बिल्कुल पास आकर उसे सूंघती है और कहती है तुमने ड्रिंक भी नहीं की है, क्या तुम पार्टी बीच में छोड़कर आ गए। जीमून कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन था तो मैं जल्दी आ गया। ये सुनकर जीसू बहुत खुश होती है। उसे पहले से ही ऐसे अटेंशन पाना बहुत अच्छा लगता है। अब हम जीसू के स्कूल टाइम का सीन देखते हैं। दो लड़के जीसू के सामने लड़ रहे होते हैं कि दोनों में से कौन उसे घर छोड़ने के लिए जाएगा। उन दोनों में से एक लड़का जीसू का सीनियर होता है और दूसरा लड़का जूनियर होता है। वो देखती है कि और लड़के भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो उन दोनों लड़कों को लड़ने से मना करती है। वो दोनों लड़ना बंद करके उसे ही उन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं। वो कहती है कि क्या तुम सच में मेरा डिसीजन मानोगे, तो वो दोनों उसे हाँ कह देते हैं। ये सुनकर जीसू उठकर एक तीसरे लड़के के पास जाकर कहती है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उस लड़के को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि क्या मैंने सही सुना। ये देखकर जीसू कहती है कि अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं उन दोनों में से किसी एक को चुन लूंगी। ये सुनकर वो लड़का जीसू को हाँ कह देता है। जीसू बड़े प्यार से उसके हाथों में हाथ डालकर वहाँ से चली जाती है। जीसू को स्कूल डेज से ऐसी सिचुएशन एंजॉय करने में मजा आता था। स्कूल टाइम से ही उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम ह्यूनवू है। अब जीसू ह्यूनवू को अपनी सारी परेशानी बताती है और कहती है कि मैं दोनों बॉयज में से चुन नहीं पा रही हूँ कि मैं किसे डेट करूँ। जीमून बहुत ही क्यूट और इनोसेंट टाइप का है और तेहो मैच्योर और माचो टाइप का है। मैं दोनों को ही पसंद करती हूँ और वो दोनों भी मुझे बहुत पसंद करते हैं।
ह्यून्वू कहता है कि पता नहीं तुम्हें ये सब करने में क्या मजा आता है। जीसू ह्यून्वू को उन दोनों की फोटो दिखाकर पूछती है कि बताओ मैं दोनों में से किसे डेट करूं। ह्यून्वू कहता है मुझे तो दोनों ही बेकार लग रहे हैं। वो कहती है खैर छोड़ो, मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। ह्यून्वू कहता है तो इतनी देर से तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही थी। अच्छा बताओ तुम किसे डेट करने वाली हो। जीसू उसे चिढ़ाते हुए कहती है ये एक सीक्रेट है। वो कहता है आखिर ये लोग तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। जीसू अपने बाल पीछे करके उसे अपने फेस के दोनों साइड दिखाते हुए कहती है देखो मैं इन दोनों साइड से कितनी ब्यूटीफुल लगती हूँ। ये देखकर ह्यून्वू उसके हुडी की कैप से उसका सिर ढकता है और कहता है कि तुम्हारे बालों से बदबू आ रही है। वो अपने बालों को सूंघकर देखती है। ये देखकर ह्यून्वू कहता है तुम बहुत गंदी हो। नेक्स्ट डे लंच करते टाइम जीमून जीसू को प्रपोज कर देता है और उसी दिन शाम को घर जाते हुए तेहो भी जीसू को प्रपोज करता है और सरप्राइजिंगली जीसू दोनों के प्रपोजल को हाँ कह देती है और यहीं पर बैड गर्लफ्रेंड का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। जैसा कि नाम और एक्सप्लेनेशन से ही पता चल रहा है कि बैड गर्लफ्रेंड के नेक्स्ट एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाले हैं। एक लड़की दो लड़कों को बेवकूफ बना रही है और वो भी इतनी सफाई से। अब आगे क्या होगा ये देखना काफी मजेदार होगा, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।